हर वक्त इतने सालों से मैं देख रही हूँ, इतने हॉस्पिटल के चक्कर में ही मम्मी ने काटे। बहुत स्ट्रांग थी मम्मी, बहुत स्ट्रांग। कैंसर को मुंह तोड़ जवाब दिया है मॉम ने। इतने ऑपरेशंस, इतने दो बार हार्ट अटैक्स, इतने। शी वॉज वेरी स्ट्रांग। हमेशा सब लोग, मेरी मासियां, मामा, मेरी पूरी फैमिली, डॉक्टर तक हाथ ऊपर कर देते थे, कहते कि सॉरी आप साइन कीजिए, नहीं होगा। मैंने बोला नहीं माँ, बहुत स्ट्रांग है, कुछ नहीं होगा, मैं साइन करती हूँ। बड़े बड़े ऑपरेशन, कैंसर के, यूट्रस के, बहुत ऑपरेशन मम्मी ने झेले हैं। इतना दर्द उठाया है बॉडी में, फैमिली में। मेरे डैड एक्सपायर हुए, तब से ज्यादा बीमार हुई। जब मेरे डैड एक्सपायर हुए तब से शॉक लग गया। हमेशा चर्च जाना, प्रेयर करना। मैं हमेशा शूट पे रहती थी, राकेश रहता था, मेरी सिस्टर, सब लोग रहते थे, पूरे परिवार। मैं हमेशा दिखाई नहीं देता था, फिर भी सबको फोन करती थी। मॉम सबका भला चाहती थी, सबके लिए प्रे करती थी, जहां जाती थी सबके लिए प्रे करती थी। शी वॉज अ सो गुड सोल। हॉस्पिटल में मैं गई, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। आई टोल्ड गॉड, इससे ज्यादा मत सताओ, प्लीज गॉड गिव हर अ पीसफुल लाइफ। गॉड पैरों से इंजेक्शन, नो से फूड। इतना मम्मी को खाने का बहुत शौक था, अच्छी अच्छी चीजें, लेकिन वो डॉक्टर ने मना कर दिया। शी कुडंट ईट। हमें बहुत प्यार दिया, हम तीनों भाई बहनों को, पायल को बेटी की तरह रखा, आदिल को बहुत प्यार दिया, आदिल को लाश सत्कार। मेरी बेटी का ख्याल रखना आदिल, उसको कभी मत छोड़ना। सबको प्यार करती थी, हमेशा कहती थी चर्च जाना है, मम्मी को चलने नहीं होता था, राखी मुझे चर्च लेके जा, चर्च लेके जा। हम कैसे भी उठा के लेके जाते थे। प्रभु यीशु की बहुत बड़ी बिलीवर थी, आखिरी सांस ली तब तक प्रभु यीशु को पुकारती रही, बेहोशी में, दर्द में भी। मैं विश्वास करती हूँ, प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अंत तक हूँ। और माँ हमेशा एक ही गाना वो पुकारती थी, आएगा मेरा यीशु हमें लेने, एक दिन जाऊंगी मैं उसके संग, जहां पर होगा अनंत जीवन। माँ आप हेवन में हो, मैं बिलीव करती हूँ, हम सब बिलीव करते हैं। तुझे ये जीसस खुद लेने आए हैं, ये मेरा विश्वास है। उनका वादा कभी गलत नहीं हो सकता, कभी गलत नहीं हो सकता। माई मॉम शी इज इन हेवन। आप सब लोग प्रे कीजिए मॉम के लिए, शी वॉज अ वेरी गुड सोल। कभी किसी का बुरा नहीं किया माँ ने, कभी भी आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। थैंक यू गॉड। Thank you, Pastor. Thank you, everyone, for coming. Words. My God is going today. She is everything for me, for Rakhi. बस एक ही इच्छा थी माँ की कि मैं यीशु के दरबार जाऊंगी। मेरे लोग मेरे साथ होने चाहिए, जो आज सब साथ में है। मैं यीशु की तरह, जिस तरह उनके, जो भी उनके, बस मुझे अच्छे से उनके पास भेज दो। बस एक ही बात हमेशा और कभी बोलती रही, थैंक यू जीसस।
Thank you for everything. Yeshua is everything for me. बस आज मैं यही कहना चाह रहा हूँ, थैंक यू एवरी वन फॉर दिस लव दिस प्रेयर, कि आपकी वजह से मम्मी ने इतने साल कैंसर से फाइट किया. शी इज फॉट विथ योर लव एंड टूडे द ब्लेसिंग ऑफ गॉड शी इज गोइंग. थैंक यू एवरी वन, सब लोग यहाँ पे आए. आई लाइक टू थैंक्स ऑल बॉलीवुड में सलमान भाई, प्रिया दत्त जी, रश्मि, थैंक यू सो मच एवरी वन, सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ. फरा मैम, शिल्पा मैम, सबको कि मम्मी का बहुत ख्याल रखा उन सब ने. मेरे वो हालात नहीं थे कि मैं कैंसर के हर हॉस्पिटल में हर जगह जाऊँ, बहुत सपोर्ट किया. थैंक यू पास्टर समीर, सिस्टर माजू, शीला आंटी, सारे मेरे दोस्त, सारे फ्रेंड्स. She was a brave and strong woman. से कैंसर से लड़ी के यीशु के नाम से कैंसर निकल जाए इस देश से, सारे शरीर से. एंड तक चिल्लाती रही, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, किडनी में, बॉडी में, सर में. थैंक यू गॉड, थैंक यू, शी इज विथ यू, आई बिलीव शी इज विथ यू. थैंक यू गॉड. Yes, you can sit.